हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रोफेसर दीपक सैनी। टुडे वी विल डू द ओबिलिया। वी विल डू द सुपरफिशियल करेक्टर ऑफ द ओबिलिया विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम सीलेंट्रेटा। ये जो ओबिलिया है, यू आल्सो नेम इट एज एन सीफर एंड इट इज़ नॉर्मली ए कलोनियल फॉर्म एंड दे अपीयर लाइक दिस। एंड इफ यू विल गो टू इन टू ए डिटेल स्ट्रक्चर, इट विल बी लाइक दिस। It has two part. One is called as an hydrorhiza, which grows horizontally and attaches this animal. And this is an animal. It seems that it is a plant-like structure, but it is an animal. This hydrorhiza grows horizontally and helps in attaching this animal with the stone or any substratum. And it give rise at interval. At it give rise erect branches. That is called as an hydroculus. And hydroculus further branch alternatively and they form a zooid. We will use a word zooid in this case. Zooid is basically an individual which will perform a particular function and it gives out zooids, and alternatively it give out zooids, and that zooids are called as an polyp. These are the polyps are there. Ye jo zooids hai isko main polyp kehta hu. ये जो जॉइड्स है इसको मैं पॉलिप कहता हूँ। ये जो जॉइड्स है इसको मैं पॉलिप कहता हूँ। ये पॉलिप कहता हूँ। आप देख रहे हो इधर 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 अल्टरनेटिवली ये निकल रही हैं। अगर मैं पॉलिप जॉइड्स को देखूँ तो ये इसमें माउथ होता है। ये देखो, दिस इज़ ए माउथ एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द रेज पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड मैनुब्रियम एंड इट इज़ सराउंडेड बाई द टेंटिकल्स एंड द नंबर ऑफ टेंटिकल इज़ 24। ठीक है, 24 टेंटिकल्स आर देयर। ठीक है, और इसमें टेंटिकल्स जो होती हैं सॉलिड होती हैं, जबकि मैंने आपको बताया था टेंटिकल्स इन द हाइड्रा इज़ हॉलो एंड इट इज़ सराउंडेड बाय 24 टेंटिकल दैट इज़ फिक्स्ड। एंड दिस पार्ट दिस वाइड जिसको आई हैव नेम्ड इट एज ए पॉलिप जॉइड इज़ देयर। तो दिस जॉइड्स, ठीक है ना, दिस जॉइड्स दे हेल्प इन द फीडिंग। ये फीडिंग में हेल्प करता है ये टेंटिकल्स, और इसके भी टेंटिकल्स पे वही सेल्स होते हैं जैसे नेमेटोब्लास्ट। और ये जो जॉइड्स है, ये बाहर की तरफ से इसकी कवरिंग होती है, जो डार्क कलर की कवरिंग दिख रही है इसको मैं कहता हूँ पेरिसार्क। कंप्लीट जो बॉडी है इसके बाहर एक कवरिंग चलती है जिसको मैं कहता हूँ पेरिसार्क। ये जो बाहर की तरफ कवरिंग है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज एन पेरिसार्क। और ये अंदर की तरफ जो कवरिंग चल रही है इसको मैं कहता हूँ सीनोसार्क। जो बाहर की तरफ कवरिंग है ये बड़ी हार्ड होती है, टफ होती है, नॉन सेलर होती है। और यही जो पेरिसार्क, ये जो मैंने कहा आउटर कवरिंग है जिसको मैं पेरिसार्क कहता हूँ, यही कवरिंग जो पॉलिप के आसपास होती है तो उसको मैं कहता हूँ हाइड्रोथीका। आई विल यूज़ द वर्ड हाइड्रोथीका इज़ देयर। ये अगर आप देखोगे, दिस इज़ अ हाइड्रोथीका। ये देखो, दिस इज़ एन हाइड्रोथीका इज़ देयर। वट इज़ दिस? दिस इज़ अ हार्ड कवरिंग। ये वो पेरिसार्क की कवरिंग विच इज़ प्रेजेंट अराउंड द पॉलिप दैट इज कॉल्ड हाइड्रोथीका। इट हैज़ अ माउथ। माउथ इज प्रेजेंट ऑन द रेज पोर्शन, आई हैव टोल्ड यू दैट इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। ठीक है, एंड दीज आर द टेंटिकल्स एंड दिस पॉलिप इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन हाइड्रांथ। वी ऑल्सो नेम इट एज एन हाइड्रेंथ इज देयर। ठीक है ना, इसको हम हाइड्रेंथ का भी नाम दे देते हैं, या वी ऑल्सो से इट एज एन पॉलिप का भी नाम दिया जाता है, या हाइड्रेंथ भी दिया जाता है। ठीक है, दिस इज द हाइड्रेंथ का उसने स्ट्रक्चर दिया है। दिस इज माउथ, दिस इज एन प्रेजेंट ऑन द रेज पोर्शन एंड दिस रेज पोर्शन इज कॉल्ड एज एन मैनुब्रियम। दीज आर द टेंटिकल। ये देखो, आइदर यू कैन से पॉलिप और यू कैन से हाइड्रेंथ इज देयर, कुछ भी आप कह सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद जो अंदर की जो लेयर है जिसको मैंने कहूँगा सीनोसार्क। ये जो अंदर की जो लेयर है, आई नेम इट एज एन सीनोसार्क इज देयर। ये थोड़ा सा ब्लड हो गया, अभी ठीक हो जाता है जब फोकसिंग कर लेगा ये। यहाँ से मैं ले जाता हूँ आपको। यस, ये जो अंदर की लेयर है जिसको मैं कहता हूँ सीनोसार्क, दिस सीनोसार्क जो है दे आर बेसिकली, ये बनी होती है बाहर की लेयर से जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, और अंदर की लेयर जिसको मैं कहता हूँ मीजोडर्म।
ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे दीज बाहर की लेयर को हमने कह दिया, हाँ आप देखिए ये जो अंदर की लेयर है डेट इज कॉल्ड एज एन सीनोसार्क, ये लाइन चल रही है, ये सीनोसार्क, ये तो पेरिसार्क आ गई ना, पेरिसार्क अराउंड द पॉलिप इज कॉल्ड एज एन हाइड्रोथीका, ये जो अंदर की लेयर आ गई इसको कहता हूँ सीनोसार्क। ये सीनोसार्क फर्दर मेड अप ऑफ टू लेयर्स की बनी होती है, आउटर की एक्टोडर्म कह देते हैं, इनर की एंडोडर्म कह देते हैं, और दोनों के बीच में मेसोग्लिया होता है। और जैसे एक्टोडर्म में मैंने आपको बताया था 6 टाइप के सेल्स होते हैं, एंडोडर्म में जो है सॉरी एक्टोडर्म में वी हैव सीन 7 टाइप ऑफ सेल्स एंड एंडोडर्म में 5 टाइप के सेल्स, वो सेम सेल्स इसके अंदर भी देखने को मिलते हैं जैसे मैंने हाइड्रा के लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। और इन द ठीक है, ये जो उसके पॉलिप के बारे में क्लियर हो गया, इसको मैं हाइड्रेंथ भी कह देता हूँ। इसका माउथ होता है, टेंटिकल्स होती हैं, 24 टेंटिकल्स होती हैं, फिक्स नंबर है, सॉलिड होता है, और ये हेल्प इन फीडिंग, ठीक है। इसके अंदर भी बिल्कुल फीडिंग जैसे हाइड्रा के अंदर चलती थी कि इंट्रा सेलुलर प्लस इंटर सेलुलर दोनों टाइप की फीडिंग होती है। और इन द एक्सिस ऑफ द हाइड्रेंथ एक और जोआइड निकलता है, एक और जोआइड निकलता है जिसको हम गुनेंजियम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं गुनेंजियम कहते हैं। इसके अंदर एक ये पोर्शन होता है ये वाला, इसको मैं ब्लास्टोस्टाइल कहता हूँ। ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर ये जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको, ये ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर ये आपको जो गोल गोल दिख रहे हैं इसको मैं मेडूसा कहता हूँ, ठीक है ना। ये भी वही चीज़ है, गुनेंजियम है, दिस इज़ कम्प्लीट गुनेंजियम इज़ देयर। सेंटर में जो मैंने आपको बताया ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल। इसके ऊपर छोटे छोटे जो है मेडूसा निकले होते हैं, और ये जो ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं गोनोपोर, गोनोपोर कहते हैं, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम गुनेंजियम कहते हैं। और यहाँ पे भी पेरिसार्क जो होती है बड़ी टफ होती है, तो इस पेरिसार्क को हम कह देते हैं गोनोथीका इज देयर, इस पेरिसार्क को हम क्या कह देते हैं गोनोथीका, ठीक है ना। सेंटर वाला पोर्शन आ गया ब्लास्टोस्टाइल। अब मैं एक पॉलिप बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए ये पॉलिप मैंने बनाया था, ये पॉलिप था, अंदर ऐसे माउथ था, ठीक है, और ये दीज आर द टेंटिकल्स थी, यहाँ पे माउथ आ गया, ये रेस पोर्शन आ गया, मैनुब्रियम आ गया, ठीक है। ये चीज़, ये बाहर की लेयर पेरिसार्क आई, और पेरिसार्क अराउंड द पॉलिप इज कॉल्ड हाइड्रोथीका। ये अंदर का वाली लेयर को मैं सीनोसार्क कहूँगा। ये जो सीनोसार्क है ये फर्दर दो लेयर्स की बनी होती है, बाहर वाली को हम बोले थे एक्टोडर्म, अंदर वाली को बोले थे एंडोडर्म, बीच में मेसोग्लिया होता है। इसके भी एक्टोडर्म के अंदर 7 सेल्स होते हैं, ठीक है, एंडोडर्म में 5 सेल्स होते हैं। तो ये जो था स्ट्रक्चर, दिस वाज ऑफ द पॉलिप। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ गुनेंजियम का, गुनेंजियम का, ठीक है ना। ये जो ये चीज़ है गुनेंजियम, ये पॉलिप था, ये आ गया गुनेंजियम, ठीक है ना। गुनेंजियम का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो उसके अंदर ये एक आएगा ब्लास्टोस्टाइल, दिस इज द ब्लास्टोस्टाइल है, ये ब्लास्टोस्टाइल है, यहाँ पे गोल छोटे छोटे से जो लग रहे हैं इसको मैं मेडूसा कहता हूँ। ये जो सेंटर वाला एक्सिस है डेट इज कॉल्ड ब्लास्टो स्टाइल, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज एन गोनोपोर, और ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है इसको मैं ये जो पेरिसार्क की चल रही ना, ये भी क्या है पेरिसार्क, जैसे मैंने कहा था पेरिसार्क अराउंड द पॉलिप इज कॉल्ड हाइड्रोथीका, ये पेरिसार्क अराउंड द दिस ब्लास्टोस्टाइल, और ये पूरा गुनेंजियम के आसपास इसको मैं कहूँगा गोनोथीका, गोनोथीका। तो ये ब्लास्टोस्टाइल प्लस मेडूसा प्लस ये गोनोथीका, ये इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं गुनेंजियम, ठीक है ना, इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं गुनेंजियम। ये देखिए आप, ये मैंने आपको बताया ब्लास्टोस्टाइल, उसके ऊपर क्या है देर इज एन मेडूसा, और ये बाहर की कवरिंग जो है हार्ड कवरिंग है इसको हम गोनोथीका कह देते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहेंगे गुनेंजियम इज देयर। तो ये आप देखिए पॉलिप के बारे में हो गया, अब ये गुनेंजियम के बारे में वो बता रहा है, ठीक है ना। लिखा हुआ है गुनेंजियम, जिसमें क्या है सेंटर में ब्लास्टोस्टाइल है, ये मेडूसा है, ठीक है ना, ये गोनोथीका है, और ये गोनोफोर है। ये बाई द प्रोसेस ऑफ बडिंग, ये जो ब्लास्टोस्टाइल है, ये जो ब्लास्टोस्टाइल है, ये बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग दे प्रोड्यूस मेडूसा, ये मेडूसा प्रोड्यूस करता है, मेडूसा जो आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। मैं मेडूसा का आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ठीक है ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेडूसा, ये तो इसने ऊपर से दिखाया है, ये है इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेडूसा। ये मेल मेडूसा अलग होता है, फीमेल मेडूसा अलग होता है।
इस मेडूसा के बेसिकली दो ऊपर वाला जो इट इज़ लाइक एन अम्ब्रेला, ऊपर वाले पार्ट को बोल देते हैं एक्स अम्ब्रेला, नीचे वाले पार्ट को बोल देते हैं सब अम्ब्रेला। ऊपर वाले पार्ट को बोल देते हैं एक्स अम्ब्रेला, नीचे वाले पार्ट को बोल देते हैं सब अम्ब्रेला। और यहाँ पे भी माउथ होता है, मेनुब्रियम होता है, ठीक है ना। ये मेल मेडूसा और फीमेल मेडूसा अलग होते हैं, और मेल मेडूसा और फीमेल मेडूसा जो है आप देखोगे इसी ब्लास्टोस्टाइल से निकलते हैं। ये मेल मेडूसा भी प्रोड्यूस कर सकता है, फीमेल मेडूसा भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये तीसरा जोआइड हो गया। देखो हमने देखा पहला जोआइड कौन सा पड़ा, पॉलिप। जोआइड का मतलब क्या है इसके अंदर, इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें वर्ड यूज होगा सिलेंट्रेट में कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ जोआइड्स। व्हाट आर बेसिकली जोआइड्स, दे आर ए इंडिविजुअल विच इज परफॉर्मिंग सम पर्टिकुलर फंक्शन। लाइक मैंने बोला कि पॉलिप, ठीक है ना, पॉलिप जो जॉइड है वो फीडिंग में हेल्प कर रहा है। ये जो गुनेंजियम जो एक जॉइड है, गुनेंजियम एक जॉइड है, ठीक है ना, ये जिसके अंदर मैंने कहा ब्लास्टोस्टाइल है, ठीक है ना, ये क्या प्रोड्यूस करता है, मेडूसा। मेडूसा एक अलग जॉइड है और ये मेडूसा है। ये बाहर आ जाता है, स्विम करता है, इसके पास टेंटिकल्स होती हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ टेंटिकल 16 होती हैं, इसमें चार चार गुनार्ड्स होते हैं। मेल वाला होगा उसमें टेस्टिस होगा, फीमेल वाला होगा उसके अंदर ओवरी होगा, ठीक है, और चार गुनार्ड्स होते हैं इसके अंदर। और इसके पास एक स्पेशल बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, क्योंकि इसने पानी में तैरना होता है, तो इसके पास एक स्पेशल बैलेंसिंग ऑर्गन होता है जिसको मैं कहता हूँ स्टैटोसिस्ट, जिसको हम क्या कहता हूँ, एनिमेट एज एन स्टैटोसिस्ट इज देयर, स्टैटोसिस्ट कह देते हैं, ठीक है ना, डेट इज द स्टैटोसिस्ट इज देयर। तो ये देखो एक वर्ड आएगा यहाँ पे स्टैटोसिस्ट, दे आर 8 in number। ये इसके बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, ये पानी में तैरते हैं, मेल मेडूसा और फीमेल मेडूसा, दे स्विम इन वाटर। और मैं इसका लाइफ साइकिल आपको दिखाता हूँ, ये देखोगे आप इसका लाइफ साइकिल में, ये सिंपल एक डायग्राम है जिसमें ये क्या चल रहा है, पॉलिप चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ब्लास्टोस्टाइल और गेनो कलेक्टिवली हम इसको गुनेंजियम कह देते हैं, कलेक्टिवली इसको गुनेंजियम कह देते हैं। अब इसके लाइफ साइकिल में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसके लाइफ साइकिल में क्या हुआ, इसने मेल मेडूसा प्रोड्यूस किया, फीमेल मेडूसा प्रोड्यूस किया, ठीक है ना, मेल ने स्पर्म शेड किया, फीमेल मेडूसा ने ओबम शेड किया, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बना, क्लीवेज हुई, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, फिर एक लार्वा बनता है जो कि सिलिएटेड होता है, जिसको मैं कहता हूँ प्लेनुला लार्वा। प्लेनुला लार्वा ये स्विम करता है, फिर किसी जगह पे जाके अटैच हो जाता है, तो फिर मैं कहता हूँ उसको हाइड्रुला लार्वा, फिर वो वहाँ से पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल जो है वो डिवेल्प हो जाता है, कंप्लीट इंडिविजुअल विल बी डिवेल्प। ये देखो इसमें भी एक लाइफ साइकिल मैंने आपको दिखाया, ये मेल मेडूसा आया, फीमेल मेडूसा आ गया, जायगोट आ गया, वही प्लेनुला लार्वा बना, प्लेनुला लार्वा सेटल कर जाएगा और फिर वो जो एक जो है इंडिविजुअल में बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि तीन टाइप के जॉइंट देखे, यू हैव स्टडीड द थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट, इसलिए हम इसको बोल देते हैं दिस एनिमल इज ट्राईमॉर्फिक। इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है मीटाजेनेसिस, ठीक है ना, इसमें क्या है, अल्टरनेशन ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विद द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी कह देते हैं। आपने देखा कि जो ब्लास्टोस्टाइल ने क्या प्रोड्यूस किया, मेडूसा बाय बडिंग, ये था ए सेक्शुअल प्रोसेस, और उसने जो मेडूसा प्रोड्यूस हुआ उसने आगे क्या की, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। तो यानी कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेट विद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इस फिनोमिना को हम मीटाजेनेसिस भी कह देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, नीट में कई बार आई हुई है, और मीटाजेनेसिस टर्म इज ओनली यूज्ड फॉर ओबिलिया। इसी चीज़ को कराने के लिए मुझे इसका थोड़ा सा आपको लाइफ साइकिल बताना पड़ा। ये देखो यहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ है इन ओबिलिया पॉलिप, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई होने दीजिए, हाँ, पॉलिप रिप्रोड्यूस मेडूसा ए सेक्शुअली, क्लियर हो गया। आपने क्या देखा, यहां से मैं अब दिखाता हूं आपको, इसने क्या लाइन के देखोगा, वे पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा, ठीक है ना, ए सेक्शुअली, एंड मेडूसा फॉर्म पॉलिप सेक्शुअली, ठीक है ना। अब आपने देखा ये जो इसने बडिंग की, ये जो प्रोसेस थे बडिंग हुई, ये इसने ए सेक्शुअली प्रोड्यूस किया और उसने आगे सेक्शुअली करके दोबारा से ये पॉलिप बनाया, इसको उसने पॉलिप की फॉर्म में लिया, ठीक है ना, ये पॉलिप है, उसने आगे फिर डेवलप करके पहले पॉलिप ही बनाएगा ना, तो पॉलिप के ही एक्सिस में ये ब्लास्टोस्टाइल वगैरह निकलता है। सो देर इज एन अल्टरनेशन ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये ध्यान से सुनिए, ये जो मेडूसा प्रोड्यूस हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, बडिंग ये ए सेक्शुअल मेथड है, आगे उसने सेक्शुअली क्या प्रोड्यूस किया, दोबारा से पॉलिप प्रोड्यूस किया, इस फिनोमेना को हम मीटाजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है ना, वी नेम इट एज एन
बीटाजेनेसिस इज देयर। ठीक है, तो ये मैंने पॉलिप इसके ओबिलिया के बारे में बता दिया, ठीक है, और इसके अंदर ये सारे जो इसके पार्ट्स थे बता दिए, और मैंने आपको बताया कि इसके अंदर तीन टाइप के ज़ोआइड्स हुए। वो तीन टाइप के ज़ोआइड कौन से थे? एक था पॉलिप ज़ोआइड, एक था पॉलिप ज़ोआइड जिसको हम हाइड्रेंट भी कहते थे, ये देखो, एक था पॉलिप ज़ोआइड्स, वी आल्सो नेम इट एज एन हाइड्रेंट। एक मेडूसा था, मेडूसा को हम गोनोफोर भी कह देते हैं। एक था ये गुनेंजियम जिसने मेडूसा को प्रोड्यूस किया था, ठीक है, और एक था ये हमारा, ये लिखा ना ज़ोआइड्स। व्हाट आर ज़ोआइड्स? द क्लोन इज सेड टू बी बिकॉज इट बियर्स टू काइंड ऑफ ज़ोआइड्स, एक कौन सा पॉलिप और दूसरा कौन सा ब्लास्टोस्टाइल, और ये ब्लास्टोस्टाइल आगे क्या प्रोड्यूस करता है? मेडूसा प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसके अंदर तीन टाइप के ज़ोआइड्स आते हैं। द ओबिलियन क्लोनी प्रोवाइड्स ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्राईमॉर्फिक। पॉलिप कौन सा हुआ? ये वाला था जो पॉलिप, ये था पॉलिप जिसने फीडिंग में हेल्प की। ये गुनेंजियम, इसने क्या प्रोड्यूस किया था? मेडूसा। और मेडूसा ने आगे जो मैंने आपको दिखाया, मेडूसा ने आगे क्या किया था? मेडूसा ने आगे रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये मेडूसा ने आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और इसने पहले वो पेलूनला लार्वा बना, फिर हाइड्रोला लार्वा बना, और उससे इंडिविजुअल तैयार हुआ। इस की ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडूसा प्रोड्यूस हुआ, उसने आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस फिनोमेना को हम बोल देते हैं मीटाजेनेसिस इज देयर। तो ओबिलिया के लिए ट्राईमॉर्फिक वर्ड यूज हुआ है, ओबिलिया के लिए जो है मीटाजेनेसिस वर्ड यूज हुआ है, और वो चीज, वो ज़ोआइड्स जो कि फीडिंग में हेल्प करता हो उसको हम पॉलिप का नाम देते हैं। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा मैं कहूँगा कि सर ये क्या, कौन सा पॉलिप है, किस टाइप का पॉलिप है, मैं कहूँगा इट इज़ एन हाइड्रा जो है किस टाइप का इंडिविजुअल है, किस टाइप का ज़ोआइड है, हाइड्रा किस टाइप का इंडिविजुअल है, किस टाइप का ज़ोआइड है, मैं कहूँगा हाइड्रा जो है एक पॉलिप ज़ोआइड है, क्योंकि हाइड्रा में आपने देखा कि उसका टेंटिकल्स थी, माउथ था, मैनुब्रियम था, और वो फीडिंग में हेल्प करता था। सो जो हाइड्रा इज रिप्रेजेंटेड बाई विच टाइप ऑफ ज़ोआइड्स, यू से इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ये पॉलिप ज़ोआइड्स आर देयर, ठीक है। और ओबिलिया में आपने देखा तीन टाइप के ज़ोआइड्स देखे, तो वो जो तीन टाइप के ज़ोआइड कौन से थे? दैट वाज द पॉलिप, दैट वाज द गुनेंजियम, एंड दैट वाज द मेडूसा इज देयर। ओके।